हम सुबह 10 बजे बलांगीर से हरिशंकर की ओर निकल पड़े थे। बीच में पाटनागढ़ में कुछ टाइम रेस्ट करके फिर से खपराखोल होते हुए दोपहर 1 बजे हरिशंकर में पहुंच गए। यह है हरिशंकर की पार्किंग एरिया और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हरिशंकर आया हूँ जो उड़ीसा राज्य की बलांगीर जिला में पड़ता है। तो चलिए हरिशंकर एक्सप्लोर करते हैं। हरिशंकर की एंट्री पॉइंट में बहुत सारे खिलौना का दुकान और पूजा सामान की दुकान देखने को मिलेगा और आप चाहें तो यहीं से खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, हरिशंकर बलांगीर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अभी हम हरिशंकर में पहुंच चुके हैं। तो चलिए पहले मंदिर की एक्सप्लोर करते हैं और बाद में वाटरफॉल की ओर जाएंगे। ये है हरिशंकर की मंदिर, तो चलिए देखते हैं मंदिर। ये है मंदिर की सिंह द्वार और अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं।
दोस्तों अभी हम वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं। ये वाटरफॉल का पानी है, मेरे एक सब्सक्राइबर जो हरिशंकर में मिले। दोस्तों ये है चावलधरा जलप्रपात और ऊपर गंधमार्दन पर्वत है, और गंधमार्दन पर्वत से पांच जलधाराएं ऐसे निकलती है, उनमें से एक है ये चावलधरा जलप्रपात। और सबसे जो बड़ा जलप्रपात है उसका नाम है कपिलधारा, और उसका पानी भी ज़्यादा तीव्र है। लेकिन हरिशंकर में जो जलप्रपात बहती है उसका नाम चावलधरा जलप्रपात है। अभी मैं और ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊंचाई की तरफ।
यह गंधमार्दन पर्वत श्रृंखला ऊपर और उसकी दक्षिण छोर से जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यह हरिशंकर तीर्थ स्थान है। और उसकी उत्तरी छोर में नृसिंहनाथ, जो कि बरगढ़ जिला में स्थित है, यानी कि रामायण वर्णित गंधमार्दन पर्वत की दोनों तरफ से दो तीर्थ स्थान मौजूद है। दोस्तों, ये था आज की हरिशंकर यात्रा की पूरा लेखा जोखा। फिर मिलेंगे एक नया जगह और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।